2022 ख़त्म होने वाला है और 2023 शुरू होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि यह साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और आज की इस वीडियो में हम जानते हैं 2022 में पाए गए नए नए जानवरों के बारे में। तो बिना देर की इस वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 5, टाइनी फ्रॉग्स। साइंटिस्ट ने मैक्सिको के जंगल में 6 से ज़्यादा नई प्रजाति के छोटे मेंढकों को पाया है। साइंटिस्ट के हिसाब से यह फ्रॉग्स मौसम में बदलाव आने के कारण पैदा हुए हैं और इनकी आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इन पर अभी ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है, मगर इनके ऊपर रिसर्च जारी है। नंबर 4, पॉपा लंगूर। पॉपा लंगूर को सबसे पहले 2020 में देखा गया था, मगर साइंटिस्ट को लगा था कि यह सिर्फ एक वेरिएशन है। मगर फिर इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और 2022 तक यह स्पीशीज़ एकदम विकसित हो गई। यह म्यांमार के जंगलों में पाए जाते हैं और वहाँ इनकी आबादी काफ़ी फल फूल रही है। नंबर 3, एयर डिसेंट स्नैक। यह सांप वियतनाम के जंगलों में पाया गया है। यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके स्केल्स काफ़ी ज़्यादा चिकने हैं, जिस वजह से यह अंधेरे में रेनबो इफेक्ट देते हैं। हालांकि यह ज़्यादा नहीं मिले हैं, जंगलों में इनकी आबादी अभी बहुत कम है, मगर साइंटिस्ट इनकी आबादी बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं। नंबर 2, गोल्डन बियर। गोल्डन बियर को अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिका के जंगलों में खोजा गया है। माना जा रहा है कि यह 1-2 साल से आबादी बढ़ा रहे हैं, मगर इनकी आबादी अभी भी काफ़ी कम है। यह जानवर काफ़ी ज़्यादा शर्मीले होते हैं और एक गोल्डन बियर को देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि यह इंसानों से डरा करते हैं। सरकार ने इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है ताकि इनकी आबादी अच्छे से बढ़ती रहे, और साइंटिस्ट इनके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुकता से इनके ऊपर काम कर रहे हैं। नंबर 1, आइवरी बिल्ट वुडपेकर। यह पंछी की वह प्रजाति है जो कि सन 2000 तक विलुप्त घोषित कर दी गई थी, मगर उसके बाद 2022 में इसे वापस से खोजा गया। सिर्फ खोजा ही नहीं गया, बल्कि इनकी काफ़ी बड़ी आबादी सामने आई। यह प्रजाति लुइजियाना के जंगलों में काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल रही है। साइंटिस्ट इस पंछी के बारे में अलग अलग बातें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर अभी रिसर्च जारी है और साइंटिस्ट इनकी आबादी बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। हाँ तो गाइस, यह थे कुछ जानवर जो कि 2022 में सामने आए। अब अलग अलग शहरों की सरकार और वहाँ के साइंटिस्ट इनकी आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं, और कुल मिला के यह साल 2022 काफ़ी अच्छा रहा। इसमें कई अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को खोजा गया। आपका यह साल कैसा गया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।